देखो भाई दोस्तों, आपको याद होगा कि ये जो टप देख रहे हो आप, ये और ये एक तरीके का ये मिट्टी का बना हुआ है और एक वो बना हुआ, ठीक है, हरा और उसके नीचे वाला मिट्टी का। तो इस तरीके के ये तीनों में मैंने कस्तूरी मेथी बोई थी नवंबर में, उसका वीडियो भी बनाया था। तो उस समय हमने काफ़ी कस्तूरी मेथी तोड़ तोड़ के खाई, सब्जी बनाई। अब जो लास्ट की मेथी थी उसको हमने ऐसे सुखा लिया। सुखाया कैसे, कुछ नहीं करना, अपना सीज़न आने पे ही अपने आप, जब इसका सीज़न जाने लगेगा तो ये अपने आप सूखने लगेगी। पानी देते रहें, अपने आप सूख जाएगी। और सूखते सूखते जो ऊपर देख रहे हो आप छोटे छोटे ये फलियां सी लगी पड़ी है, इस तरीके की फलियां सी बन जाएंगी और इसके अंदर बीज बन जाएगा। इस बीज को हम आज कलेक्ट करेंगे। कैसे करना है देखो, कुछ नहीं करना, इसको काट के यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो यहाँ निकाल लेंगे हम। इतना ही ठीक है। तो देखो, हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा निकाल लिया, हम सारे बीज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसको क्या करना है, ऐसे मसल लेना है। ये झाड़ फूक से निकल के उसको साइड में कर लेना। अब देखो इसको किसी भी, ये तो हम कटोरी में कर रहे हैं, कटोरी में नहीं, आप किसी परात में या प्लेट में ले लेना। और ऐसे देखो जैसे गांव में औरतें गेहूं को करती हैं या चावल को छाछ वगैरह में लेके करती हैं, इस तरीके से लेके फूंक मारेंगे। तो इसके जो रुएँ हैं, ये जो है ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। इस तरीके से सब गिर जाएगा, बाहर निकल आएगा अपने आप ही। थोड़ा और फूंक मार दो। अब ये देखो एंड में ये बचेगा, मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे पीली सरसों हो, लेकिन ये पीली सरसों नहीं है, ये कस्तूरी मेथी का बीज है। कस्तूरी मेथी का बीज ऐसा ही होता है, थोड़ा साइज़ में, नॉर्मल मेथी से छोटा, ठीक है। ये देसी मेथी भी बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से आप भी अपने जो भी बोएं उसको अगले सीज़न के लिए घर का ही बीज बनाएं। घर का बीज बहुत अच्छा और तंदुरुस्त रहता है। ये पिछली बार जो मैंने उगाया था ये भी घर के बीजों से ही उगाया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्योंकि घर का बीज ही बेस्ट रहता है। जब मैंने मार्केट से ख़रीद के, पहली बार मैंने मार्केट से ख़रीद के लगाया था तो इतनी हैवी मात्रा में मेथी नहीं उगी थी। फिर घर का बीज जब बनता गया तो उसका जीन्स सुधरता गया, उसके बाद अच्छा बनता चला गया। तो अभी हम देखो ये सारे बीज कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको दिखा दिया। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके की एक सील बंद डब्बी में भर के रख लेंगे, या अगर आपके पास इस तरीके की डब्बियाँ ना हों तो छोटी छोटी पॉलीथीन भी आती हैं जिसमें ऊपर जिप लगी रहती है या रबड़ की लगी रहती है, सील बंद हो जाती है वो, उस तरीके की पॉलीथीन में भी रख सकते हो आप, उसे पाउच बोलते हैं, सील पाउच, ठीक है। तो आप उनमें लेके रख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं।